नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लाल बाबू कुमार और आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंसान किस तरह से एक दूसरे से अपने आप को भिन्न समझते हैं। सभी इंसान के अंदर जो खून होता है एक ही रंग का होता है, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे कोई भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, लेकिन सबके अंदर जो खून होता है वह एक ही होता है। हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है। हमारा देश किसी भी धर्म को अपना देश का धर्म घोषित नहीं किया है, यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम इसी पे आप लोगों को एक देशभक्ति गीत सुनाएंगे। बताइएगा कमेंट करके कि ये गीत आपको कैसा लगा। दोस्तों, हमारे शरीर में, आपके शरीर में, सबके शरीर में खून बराबर है, इसलिए हमको सबके साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ इंसानियत का रिश्ता रखना चाहिए। ये आपके सामने मैं गीत प्रस्तुत करता हूँ, देखिए किस तरह का गीत है। लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, बने है एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, बने है एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान कब तलक छिपाओगे, वही है तन वही है जान कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी हैं एक जात हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, सभी है एक जात हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, जो एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जो एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने है मर्द तो कोई जने है औरते, कोई जने है मर्द तो कोई जने है औरते, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है, एक है जो हम सभी विषमता की लकीर क्या, एक है जो हम सभी विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। सब इंसान के शरीर में खून जो होता है एक ही तरह का होता है, लेकिन सब एक दूसरे को अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हम सभी इंसान हैं और इंसान को सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। हमें दूसरों की दुख को भी अपना दुख समझना चाहिए, दूसरों के कष्ट को भी अपना कष्ट समझना चाहिए, तभी हम इंसान होने के मायने को बता सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, तो हम भी पाप के भागीदार हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, छोटा बड़ा, सब इंसान के अंदर सब एक ही जैसा खून है। इसलिए व्यवहार जो होता है सबके साथ एक जैसा ही करना चाहिए, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही इंसानियत है और यही धर्म है। धन्यवाद।